हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, मज़ेदार हूँ। और आज हम जा रहे हैं फैंसी मार्केट, कुछ सामान लेने। घूमने फिरने भी हो जाता है, सामान भी लेना हो जाता है। और मैं तो घर से निकला था तो जैकेट लेकर नहीं आया था। यहाँ पे बड़ी ठंडा गिर रहा है 2-3 दिन से, तो मुझे मेरा जैकेट भी लेना है। तो मैं अब घर से निकल चुका हूँ। ये जो मैं आपको भी बिल्डिंग बता रहा हूँ वीडियो में, ये कलकत्ता की पूरे वेस्ट बंगाल से बड़ी 7 टल्ला ये बनी हुई है बिल्डिंग। ये इसको 24 के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। तो वाइज यहाँ पे मैं आता हूँ तो बहुत ज़्यादा ही घूमता हूँ। मुझे घूमने फिरने का बचपन से ही शौक है। मैं हर जगह जाता हूँ, घूमता फिरता हूँ इधर उधर, मतलब दिन भर घूमने ही घूमना लगा रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी विक्टोरिया मेमोरियल साइट के आगे, जो कि यहाँ की क्वींस थी उसका विक्टोरिया का घर बना हुआ है। यहाँ से देखो उसका व्यू स्टार्ट हो गया है दिखना। मैं आपको बता, दिख रहा है ना वाइट वाइट ये विक्टोरिया। यहाँ पर बहुत जल्दी इसको भी विजिट कराऊंगा, बहुत बढ़िया बना हुआ है। यहाँ पर देखने के लिए तो लाजवाब, मजे ही आ जाता है इसको देखने के लिए। तो देखिए आप, तो यहाँ पर विक्टोरिया को देखने के लिए और एक हावड़ा ब्रिज को देखने के लिए यहाँ पे बाहर से, विदेश से और हर जगह से, हर कंट्री से और हर जगह से ही लोग यहाँ पर आते हैं और इन दो चीज़ों को देखने ही आते हैं। एक तो विक्टोरिया और एक आपका हावड़ा ब्रिज। बहुत जल्दी अपन हावड़ा ब्रिज भी चलेंगे, अपन उसको भी पूरा घूमेंगे, बहुत मज़ा आता है वहाँ पर। वो हुगली नदी पर पूरा बना हुआ है, गंगा का पार्ट बोलते हैं जिसे। सही बोल रहा हूँ ना भैया मैं? ये हमारे गाड़ी के भैया हैं जो कि अभी ट्रैफिक में बहुत उलझे हुए हैं। ये इनकी गाड़ी चलाने से ही मस्त है, मस्त अपने। विक्टोरिया का गेट है भैया, हम बहुत जल्दी इस गेट के अंदर एंटर। तो दोस्तों हम अभी फ्लाईओवर पे थे, तो फ्लाईओवर पे भी जाम लग गया यहाँ तो फिर से। मतलब फ्लाईओवर पे भी रहो तो जाम लगेगा, नीचे भी रहो तो जाम लगेगा। साला ये बड़ी सिटी का तो फंडे ही अलग है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। आप किधर से भी चले जाओ, कितने ही बड़ा बड़ा फ्लाईओवर बना ले, मैं सबसे टॉप के फ्लाईओवर पे चल रहा हूँ, इसके नीचे एक और फ्लाईओवर है, उसके नीचे रोड है। तो मतलब मैं सेकंड फ्लाईओवर पे चल रहा हूँ फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं लग रहा है। तो गाइज अभी हमारा सफ़र बहुत लंबा है, अभी हमारे को बहुत दूर जाना है फैंसी मार्केट। और यहाँ पर ट्रैफिक इतना लगा है कि पिछले 15 मिनट से मैं अभी 2 सिग्नल पे से होकर रहा हूँ। एक सिग्नल पे 10 मिनट खड़ा था, एक सिग्नल पर 5 मिनट खड़ा था, टोटल 15 मिनट हो गए। और उसके बाद भी सिग्नल पे सिग्नल मुझे मिल रहे हैं। आज मॉर्निंग का टाइम है, ट्रैफिक भी बहुत है जिस हिसाब से आप देख ही रहे हैं। अभी तो हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं, ये कुछ है पे देखिए आप। हाँ तो गाइस यहाँ पर एक छोटा हावड़ा है, मतलब हावड़ा ब्रिज जैसे ही है, बाकी बहुत छोटा बना हुआ है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रम जो ट्रेन रोड पे चलती है ना, उसका स्टेशन है। अरे हमको तो भैया ने इसके नीचे नहीं देगा, इधर से ले जा रहे हैं हम। अब चलो क्या है, हम इसके साइड से जाते हैं। ये है छोटा हावड़ा ब्रिज। आने में हम कभी उधर से आएंगे ना, तो आपको उस ब्रिज के अंदर से लेते हुए आएंगे, तो बड़ा मज़ा आएगा। और अब हम हमारी लोकेशन पर भी पहुंचने वाले हैं, बहुत जल्दी हमारी लोकेशन पर हम पहुंचने वाले हैं। तो फिर मैं वहाँ उतरूँगा, बाज़ार में घूमूंगा फिरूंगा। अब मुझे जो जैकेट वगैरह लेना है, देखता हूँ मेरे को मेरे मनपसंद जैकेट मिलेगी तो लेऊंगा, नहीं तो कि फिर क्या है, समझते हैं। यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, यहाँ पर मार्केट है फैंसी मार्केट जिस हिसाब से आप देख ही रहे हैं। और अब मैं इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ पे कपड़े की अच्छी अच्छी वेराइटियाँ मिलती है, बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया कपड़े मिलते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ ये कपड़ा बाज़ार में, थोड़ा देख लेते हैं हम। रोड पर भी दुकानें लगती है बहुत सारी, कभी यहाँ पर कुछ समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया तो अंदर अपन जाएँगे फैंसी में। हाँ गाइस, तो मैं यहाँ पर बाज़ार में आ गया था अभी, मेरे को तो अभी ये बहुत बढ़िया लगा। मफलर जो मेरे गले में दिख रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने एक ही पसंद में इसको फटाक से ले लिया, भैया से बोला मुझे तो ये पसंद आ रहा है, मुझे तो ये दे दो। उनसे बड़ी बार्गेनिंग करी, इतनी देर में बार्गेनिंग करते उन्होंने मुझे ये दिया है। तो मेरे को ये पसंद आया था, मैंने देखा था। थोक मार्केट बाज़ार है फैंसी का, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोक का पूरा आइटम मिलता है। हम
दोस्तों मैं यहाँ पर कपड़े के बाज़ार में पहुँच गया हूँ। यहाँ पर बहुत बहुत अच्छी फैंसी और बढ़िया टी शर्टें जिनसे लोअर और अपर वगैरह बेल्ट से ले सकते हैं, बेल्ट की दुकान है। और मैं अब आगे बढ़ता जा रहा हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे मार्केट से फैंसी मार्केट के बाहर आ चुका हूँ। मेरे को अभी तक तो इतना अच्छा कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा तो नई नई वेराइटी है, बाकी मेरी कुछ पसंद डिफरेंट ही है। तो देखता हूँ मुझे अभी क्या पसंद आता है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ नया लेने के लिए बैग्स की दुकान। फैंसी मार्केट में हुक्के वाले भाई हैं, इनके यहाँ हुक्के बड़े ज़ोरदार ज़ोरदार हुक्के हैं भैया। कोई मेरे सब्सक्राइबर भाई को हुक्का पसंद आए तो इनकी दुकान पे आ जाए भैया हुक्के लेने का। देखिए कितना बड़ा हुक्का है, देखिए भाई अभी तक का सबसे बड़ा बड़ा हुक्का है। इतना बड़ा हुक्का है तो मेरी हाइट से भी ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे तो हुक्का। दोस्तों बाजार घूमते घूमते बड़ी थकान सी हो गई है, आज तो बड़ा ठंडा मौसम है इसलिए कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूँ एनर्जी ड्रिंक, तो मैंने सोचा चाय पीता हूँ। यहाँ की चाय बड़ी स्पेशल है, ये लोग कुल्हड़ में चाय देते हैं। तो बताता हूँ चाय वाले भैया की दुकान। मैंने कुल्हड़ में चाय ले ली है, मैं चाय पी रहा हूँ। थोड़ी टेस्टी चाय है, कुल्हड़ में चाय पीने की तो बात ही अलग है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है, कुछ अलग सा टेस्ट लगता है, अच्छा टेस्ट लगता है। और ये हमारे अनस भाई अभी यहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है, हर सिटी की एक टैक्सी अपनी होती है, अपना कलर कोड यूज करते हैं। यहाँ पर येलो टैक्सी है तो मैं आज येलो टैक्सी का मजा ले रहा हूँ। मैं येलो टैक्सी में बैठ गया हूँ, देख सकते हैं येलो टैक्सी चलती है यहाँ पर। मैं आपको बताऊँगा येलो टैक्सी बाहर से भी कैसी होती है, बहुत मज़ा आ रहा है टैक्सी में बैठने का। मजा आ रहा है भैया टैक्सी वाले आ रहे हैं तो भैया मैं पीछे बैठा था, अब मैंने भैया से बोला तो मैं आगे बैठूँगा और येलो टैक्सी के मैं मज़े लूँगा, थोड़ा सा राइड करूँगा। ये हमारे टैक्सी वाले भैया हैं। हाय भैया, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? ठीक है, बढ़िया है, वो भी ठीक है, आप भी सब ठीक रहो और हम भी ठीक हैं बस। यहाँ पर तो अभी हमारी येलो टैक्सी है, अभी हम ट्रैफिक में रुके हैं तो सिग्नल पर जोड़ा मैं मज़े ले रहा हूँ टैक्सी में से निकल कर। ये देखिए आप कितना लंबा ट्रैफिक लगा है बाबा, धीरे धीरे गाड़ियाँ बढ़ रही है। वो चलिए बट चलिए भैया, अपनी भी गाड़ी चलाओ भैया, जल्दी से चलाओ अपनी गाड़ी। ये अच्छा दोस्तों, मैंने जाने में आपको बोला था ना कि अपन जाने में इस ब्रिज के नीचे से जाएंगे छोटा हावड़ा। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं जलेबी बाई ब्रिज पर, तो जो कि यहाँ पर गोल गोल ब्रिज बना हुआ है, फ्लाईओवर पे चढ़ने के लिए गोल गोल चढ़ना पड़ता है, जब जाके आप ऊपर फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे। तो ये हमारा फ्लाईओवर अब यहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारा फ्लाईओवर स्टार्ट हो चुका है। देखिएगा आप, एक उधर रास्ता जा रहा है, एक इधर रास्ता जा रहा है, ये हमारा जलेबी बाई वाला। ये हम इतना घूम कर जाएंगे ब्रिज पे से, यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से वहाँ जाएंगे, इतना घूमते 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 हमको जाना वही है। बाकी ब्रिज तो बड़ा काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, देख सकते हैं आप। ये हम फाइनली ऊपर आ गए हैं अभी। ये हॉर्स राइडिंग का, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है। ये जो आपको तबेले दिख रहे हैं ना, ये तबेले के अंदर घोड़े बंधे हुए हैं, हॉर्स राइडिंग का बना हुआ है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना भीड़, ये सब लोग टिकट ले रहे हैं, अंदर जाएंगे घोड़े का रेस देखने। चलो आपको भी हम बहुत जल्दी दिखाएंगे हॉर्स राइडिंग। दोस्तों अब हम हमारे घर के इधर जा रहे हैं अभी वापिस से, बैक टू होम। अब कितना घूमे इतना घूमे, इतनी बड़ी कलकत्ता है, कहाँ कहाँ घूमना है। अब रोज़ का एक नया प्लान होता है घूमने का, आज तो हम यहाँ पर गए थे, घूम लिए फिर लिए हैं, थोड़ा एंजॉय भी हो गया है। और दोस्तों मेरी मंजिल बहुत करीब आ चुकी है, अब मैं यहाँ पर उतरूँगा फिर मेरे घर जाऊँगा मैं।
हाँ दोस्तों, मैं फाइनली तो घर पे आ गया हूँ। अभी जस्ट आके बैठा ही हूँ, बहुत थक गया हूँ। बाजार में गया था तो यहाँ का वेदर भी समझ में आता है, रात में तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, दिन में इतनी गर्मी रहती है कि कुछ समझ में नहीं आता है। और मैं गया था जो लेने, फाइनली वो मुझे मिल गया है। कुछ चीज़ मुझे समझ में आ गई थी तो मैंने उसको ले लिए। तो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या लेकर आया था। तो दोस्त, ये मैं ठंडी का आइटम लेकर आया हूँ अभी कुछ। मैं क्या लेकर आया हूँ ये अभी नहीं बता आपको, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा मैं क्या लेकर आया था। तो आप मेरा नेक्स्ट व्लॉग का भी इंतजार करें। तो हाँ दोस्तों, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तो टाइम भी बहुत हो चुका है, 3 बज गई। देखो अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, मैं बाजार गया था, बहुत थक भी गया था, तो मैंने सिर्फ एक कप वहाँ चाय पी थी। अब मैं खाना खाकर आपसे मिलता हूँ बहुत जल्दी। हाँ दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे कुछ नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।